सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहे हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 हजार इक्कीस का एक फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि बहुत तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो तो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम टी बी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पर और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली रेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई ओलेग पोगीन और बात करो तो इसमें स्क्रीन पे ले हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हाँ हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोडियोले नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और के एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रिबिया पवलीना इंद्रिविया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सैगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमो जो कि टिशार के रोल निभा रहे हैं पावेल देवरो यंगो जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि पर काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेक टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के, के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में तो यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कंप्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया जबरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म के कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं फिल्कुल मिलाकर जबरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ओले पोगिन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को किया रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पर यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज किया गया है वो है अठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है एक सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रशिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी यह एक ब्लॉक मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतर्सबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म को बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया 2021 का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइट्र और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने तो काफ़ी अच्छा मेहनत किया अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी दो सत्रह से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी इसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर दो में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शॉट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो हैं वर्क हो क्लॉथेस अंडर गजेंस है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड टू ऑरिजनली थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेंट पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema at the 2021 key BS event worldwide distribution plan were signed World Cinema and will distribute the film South Korea and town Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group planned to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema Cannes film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान और जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकूल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एकम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहाँ पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आप वो मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूंगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैमपलर फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो दैट एवडे विल फाइंड आउट turn their एंडर सॉन्ग तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि बहुत तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम डी बी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई ओलेग पोगीन और बात करते तो इसके स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोडे चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हाँ हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्थ्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना एन्द्रिविया पवलीना एन्द्रिविया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल यंग को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्प्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया जबरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग काफी भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं फिल्कुल मिलाकर जबरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पोगदिन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है सो कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइटर पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी दो से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर दो में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है, वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंस है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड ओरिजिनली ऑरिजिनली टू वी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema. At the 2021 key बीयर्स इवेंट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वेयर साइन वर्ल्ड सिनेमा एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म साउथ कोरिया एंड ग्रेन टाउन एंटरटेनमेंट ग्रुप एक्वायर द नॉर्थ अमेरिकन राइट टू द फिल्म द मीडिया ग्रुप प्लान टू रिलीज द फिल्म इज ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन सिक्स जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द सिनेमा कनेस फिल्म मार्केट फीचर देंगिंग ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्ट द फिल्म के है सिकूअल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू के बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली अक्लेम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानि की बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आपो मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट, फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विथ ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो दैट who विल फाइंड आउट and the brothers द्रदर्स इज तर्न देर यू काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि वो तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो तो को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई ओलेग पोगीन और बात करो तो इसमें के स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोडे चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हाँ हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोर्ोलेव डिमत्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रबिया पवलीना इंद्रिबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सैगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल यंग को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमची और ओलेक टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के, के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्प्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया जबरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं फिलकुल मिलाकर ज़बरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पोगदिन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है एक सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोथिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसके प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइटर पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी 2017 से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर 2018 में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है, वर्क हो क्लॉथेस अंडर गजेंस है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड वाज ओरिजिनली सूल टू वी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema at the 2021 key BS event worldwide distribution plan were signed World Cinema and will distribute the film South Korea and town Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group planned to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema kennels film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान और जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकूल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एकम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानि की बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आप वो मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफी अच्छे है लाजवाब है और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज देट फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूंगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो दैटे विल फाइंड आउट हु टैम दिट एंडर संग काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मेजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मेजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस के आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि वो तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाया जा रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपोन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो तो को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई ओलेग पोगीन और बात करते तो इसमें के स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं जिसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रिबिया पवलीना इंद्रिबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सैगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफरमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल देवराव को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के, के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्प्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग काफी भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हुए फिल्कुल मिलाकर जबरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है एक सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ट ऑन दर्ड पोइटर पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की है अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी 2017 से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर 2018 में ले लिए गए थे कंप्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है, वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंट्स है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड ओरिजिनली ऑरिजनलीज टू बी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वाज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema at the 2021 key BS event worldwide distribution plan were signed world cinema and will distribute the film. South Korea and Greenstone Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group plan to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema Kinesh film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकवल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एकम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आप मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इससे कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको पर रिलीज देट फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूंगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग हिज थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रांसफलर फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो देटे विल फाइंड आउट हो टेट द्रदर्स इजन देर सॉन्ग तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मेजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि वो तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाया जा रहा है तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को आई एम टी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ 2021 थाउजेंड रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय ओलेग पोगीन और बात करते हो तो इसके स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रबिया पवलीना इंद्रिबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टिशार के रोल निभा रहे हैं पवेल देवराव को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं ये फिल्म कुल मिलाकर ज़बरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ओले पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है एक कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइट्र पोलोवीच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की है अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी 2017 से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग में समर 2018 में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे दूस, उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है। वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंट्स है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड टू वी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वॉज़ पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema at the 2021 key Beers event worldwide distribution plan were signed World Cinema and will distribute the film South Korea and town Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group planned to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema kennes film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकुल फिर उसके बाद ही उनको हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली येम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव में से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी पी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आपोधम मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इससे कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो सबसे पहले प्ले करके जानकारियाँ हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट, फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग हिज थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो दैट दे विल फाइंड आउट हु हो टेट द्रदर्स इज तर्न देर यूर सॉन्ग तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि वो तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाया जा रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो तो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम टी बी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मेडिक रोड इज अ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय ओलेग पोगीन और बात करते हो तो इसके स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हाँ हैं जिसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और एक्टर्स के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रबिया पवलीना इंद्रिबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सैगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल देवराव को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्प्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं फिलकुल मिलाकर ज़बरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रशिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है एक सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज किया गया है जिसकी भाषा रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतर्सबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म को बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइट्र ये सेव और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की है अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी दो सत्रह से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी इसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिर आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग में समर 2018 में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाती थी कि फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वीन्स हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो हैं वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंट्स है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज किया गया थर्टिकली यानी कि अपन द रो अपॉन द मैजिक रोड वाज़ ओरिजिनली सैशेड्यूल टू बी सर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज़ पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन् पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज़ लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film Upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October cinema. At the 2021 key बीयर्स इवेंट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब प्लान वेयर साइन वर्ल्ड सिनेमा एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म साउथ कोरिया एंड ग्रेट टाउन एंटरटेनमेंट ग्रुप एक्वायर द नॉर्थ अमेरिकन राइट टू द फिल्म द मीडिया ग्रुप प्लान टू रिलीज द फिल्म इज ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन सिक्स जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द सिनेमा कैनेस फिल्म मार्केट फीचर देंगिंग ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकूल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि दो हज़ार में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एकम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव उसे दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आप दम मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इससे कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो सबसे पहले प्ले करके जानकारियाँ हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज देट फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग हिज थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम्पलर फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो देटे विल फाइंड आउट हो टेट द्रदर्स इजन देर सॉन्ग तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मेजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड दो हज़ार इक्कीस की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि बहुत तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाया जा रहा है तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म तो को दो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को आई एम टी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ 2021 थाउजेंड रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली रेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय ओलेग पोगीन और बात करो तो इसके स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिमत्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रबिया पवलीना इंद्रबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल यंग को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमची और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी इस के, के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म के कास्टिंग काफी भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं यह फिल्म कुल मिलाकर ज़बरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ओले पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो रशिया में जिसकी लंबाई एक मिनट है एक कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रशिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतर्सबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइट्र पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की है अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी 2017 से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर 2018 में ले लिए गए थे कम्पलीटली क्लोजर शॉट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं वर्कड हो है। वर्क क्लॉथेस अंडर गैजेंस है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड टू वी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वॉज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रसिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema. At the 2021 key Beers event worldwide distribution plan were signed World Cinema and will distribute the film South Korea and town Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group plan to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema kennels film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्ट द फिल्म केब हैल फिर उसके बाद इस उनको हिंदी में भी रिलीज किया गया दो हज़ार बाईस में नहीं बल्कि दो हज़ार इक्कीस में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली अक्लेम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव उसे दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एंड डी पी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेंट स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आप वो मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इससे कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ हैं और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको पर रिलीज देट फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूंगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रांसफलर फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो देटे विल फाइंड आउट हो टैम द्रदर्स इजन देर सॉन्ग तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि वो तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाया जा रहा है तस्वीरें बहुत ही शानदार लुक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को आई एम डी बी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मेजिक रोड इज अ तो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय ओलेग पोगीन और बात करो तो इसमें के स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और एक्टर्स के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पौलिना इंद्रबिया पवलीना एन्द्रबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टिषार के रोल निभा रहे हैं पावेल देवराव को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग काफी भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं यह फिल्म कुल मिलाकर ज़बरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ओले पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को किया रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है 18 फरवरी 2021 हज़ार इक्कीस में जिसकी लंबाई एक मिनट है एक कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रशिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म को बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइट्र पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी दो से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग में समर 2018 में ले लिए गए थे कंप्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है। वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंट्स है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड वॉज ऑरिजनली थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू तो थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वॉज पोस्टपोन तो टू फरवरी एटीन तो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पे पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film Upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema. At the 2021 key बीयर्स इवेंट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रब्यूशन प्लान वेयर साइन वर्ल्ड सिनेमा एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म साउथ कोरिया एंड ग्रेंड टाउन एंटरटेनमेंट ग्रुप एक्वायर द नॉर्थ अमेरिकन राइट टू द फिल्म द मीडिया ग्रुप प्लान टू रिलीज द फिल्म इज ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन सिंस जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द सिनेमा कैनेस फिल्म मार्केट फीचर देंगिंग ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकूल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ किया गया 2022 में नहीं बल्कि दो हज़ार में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली ये किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव में से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर ओपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट एन स्टार दिया गया है जहाँ पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी बना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है अपो द मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना ज़बरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारियाँ हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट, फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विथ ए फादर कॉलिंग हिज थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो देटे विल फाइंड आउट दीट एंडर्स इजन देर तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि बहुत तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाया जा रहा है तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो तो को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को आई रेटिंग दिया गया है फाइव रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय ओलेग पोगीन और बात करो तो इसमें के स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हाँ हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रबिया पवलीना एन्द्रबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल यंग को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमची और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म के कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं यह फिल्म कुल मिलाकर ज़बरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ओले पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है 18 फरवरी 2021 हज़ार रशिया में जिसकी लंबाई एक मिनट है एक सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रशिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतर्सबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म को बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइट्र ये येव और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत है अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी 2017 से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर 2018 में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं वर्क हो क्लोथिस अंडर गैजेंट्स है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ कि तो किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड वाज ओरिजिनली टू ऑरिजनली थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film Upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema. At the 2021 key बीयर्स इवेंट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वेयर साइन वर्ल्ड सिनेमा एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म साउथ कोरिया एंड ग्रेंड टाउन एंटरटेनमेंट ग्रुप एक्वायर द नॉर्थ अमेरिकन राइट टू द फिल्म द मीडिया ग्रुप प्लान टू रिलीज द फिल्म इज ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन सिक्स जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द सिनेमा केनेस फिल्म मार्केट फीचर देंगिंग ऑफ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म केब है फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एकम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव में से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी पी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मेजिक दिखाया गया है आपो मेजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इससे कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ हैं और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो सबसे पहले पहले करके जानकारियाँ हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज देट फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग हिज थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो देटे विल फाइंड आउट दिट एंड सो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मेजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 की आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि वो तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाया जा रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लुक है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो तो को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को आई एम रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली रेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय ओलेग पोगीन और बात करो तो इसमें के स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिमत्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पौलिना इंद्रिविया पवलीना एन्द्रिविया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल देवराव को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी इस के, के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की ज़बरदस्त लाइव एक्शन कम्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग काफी भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं ये फिल्म कुल मिलाकर ज़बरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ओले पोगिन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है एक सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म को बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोट्र पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की है अपने रोल के लिए जिसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी 2017 से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर 2018 में ले लिए गए थे कंप्लीटली क्लोजर शॉट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है, वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंस है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड वॉज ओरिजिनली सूल टू वी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वॉज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पे पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions, and releasing SPPR, have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film Upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo eleven October Cinema. At the 2021 key Beers event worldwide distribution plan were signed world cinema and will distribute the film. South Korea and Greenstone Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group plan to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema Kinesh film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के हैव हैल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ किया गया 2022 में नहीं बल्कि दो हज़ार में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एक्लेम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव में से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थी मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आपोधम मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इससे कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ हैं और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारियाँ हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट, फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विथ ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो देटे विल फाइंड आउट हो turn their इजन देर तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस का आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि वो तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम डी बी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मेजिक रोड इज अ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय ओलेग पोगीन और बात करो तो इसमें के स्क्रीन पर दिए हैं अली किसी ब्रोडे चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पौलिना इंद्रिबिया पवलीना एन्द्रिविया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सैगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल देवराव को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्सेंदर सेमचिव और ओलेक टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग काफी भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं फिलकुल मिलाकर जबरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पोगदिन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है एक सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोट्र पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की है अपने रोल के लिए जिसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी दो से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर 2018 में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है। वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंस है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड वाज ओरिजिनली सुल टू वी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions, and releasing SPPR, have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film Upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema. At the 2021 key BS event worldwide distribution plan where signed world cinema and will distribute the film. South Korea and Greenstone Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group plan to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema Kinesh film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म केव है सिकूअल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि दो हज़ार इक्कीस में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू के बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एकम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव में से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट एन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मेजिक दिखाया गया है आपो मेजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट, फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विथ ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम्पलर फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो दैटे विल फाइंड आउट हो ट्राइट द्रदर्स इजन देर यू काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मेजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस के आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि बहुत तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लवक है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम डी बी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मैजिक रोड इज अ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई ओलेग पोगीन और बात करते तो इसके स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोडे चोवे और ये रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियोलेव डिम्थ्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और इस फिल्म के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रिबिया पवलीना एन्द्रिविया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल यंग को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेग टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्प्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया जबरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार में रिलीज किया गया है और इसकी कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं फिल्कुल मिलाकर जबरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पोगदिन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है इसको कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतर्सबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म को बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गई ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पोइट्र ये सेव और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत है अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी 2017 से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी इसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कैसे मूवी है कैसे नहीं है या फिर आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग में समर दो में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वीन्स हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंट्स है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड वॉज ओरिजनली सैज्यूल टू बी सर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज़ पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पें पोस्टपेन् पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज़ लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema. At the 2021 key बीयर्स इवेंट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वेयर साइन वर्ल्ड सिनेमा एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म साउथ कोरिया एंड ग्रेन टाउन एंटरटेनमेंट ग्रुप एक्वायर द नॉर्थ अमेरिकन राइट टू द फिल्म द मीडिया ग्रुप प्लान टू रिलीज द फिल्म इज ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन सिक्स जुलाई टू द सिनेमा कनेस फिल्म मार्केट फीचर देंगिंग ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्ट द फिल्म के है सिकूअल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू के बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली अक्लेम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानि की बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आपो मेजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट, फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विथ ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो दैट एवडे विल फाइंड आउट हुन देर यू काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस का आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि बहुत तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो तो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम डी बी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मेजिक रोड इज अ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई ओलेग पोगीन और बात करो तो इसमें के स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोडे चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हाँ हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोरियो लेव नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और एक्टर्स के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रिबिया पवलीना एन्द्रिविया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सेगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टीसार के रोल निभा रहे हैं पावेल यंग को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्सेंदर सेमचिव और ओलेक टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्प्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया जबरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार इक्कीस में रिलीज किया गया है और इसके कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं फिलकुल मिलाकर जबरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ओले पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोथिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन द वर्क पोट्र पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया अपने रोल के लिए जिसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी दो से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के, फोटो के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर 2018 में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं वर्कड हो क्लॉथेस अंडर गैजेंस है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज़ किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड वाज ओरिजिनली सुल टू वी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पेन पोस्टपेन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film Upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema. At the 2021 key बीयर्स इवेंट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वेयर साइन वर्ल्ड सिनेमा एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म साउथ कोरिया एंड ग्रेंड टाउन एंटरटेनमेंट ग्रुप एक्वायर द नॉर्थ अमेरिकन राइट टू द फिल्म द मीडिया ग्रुप प्लान टू रिलीज द फिल्म इज ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन सिंथ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द सिनेमा नेस फिल्म मार्केट फीचर देंगिंग ऑफ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली अक्लेम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव में से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट एन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मेजिक दिखाया गया है आपो मेजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारियाँ हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि okay, हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज डेट, फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूँगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विथ ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैम फील्ड ऑफ वाइट द फादर इंस्ट्रक्टर हिज सन टू स्टैंड गॉड एट नाइट सो दैट एवडे विल फाइंड आउट हो ट्राइट द्रदर्स इज तेर सॉन्ग तो काफ़ी अच्छी स्टोरी हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी अपॉन द मेजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप भी इस मूवी के फैक्ट के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहें हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉन द मैजिक रोड 2021 हज़ार इक्कीस के आई फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है जिसकी लंबाई एक घंटा इक्यावन मिनट है और जैसे कि बहुत तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार रोड है और बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा तस्वीर है बहुत ही शानदार लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है अपॉन द मैजिक रोड बहुत ही शानदार फिल्म है जिस फिल्म को दो हज़ार इक्कीस को रिलीज किया गया था जिस फिल्म को एम डी पी रेटिंग दिया गया है फाइव पॉइंट एन रेटिंग दिया गया है इस फिल्म को बहत्तर परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है इंटरनेट पे और इस फिल्म को जो स्टोरी है वो बहुत ही शानदार है अपॉन द मेजिक रोड इज अ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन रशियन लाइव एक्शन कंप्यूटर एनिमेशन फेयरली टेल फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई ओलेग पोगीन और बात करते तो इसके स्क्रीन पर ले दिए हैं अली किसी ब्रोड चोवे और इसकी रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है और इसको डायरेक्ट किए हैं अच्छे तरीक़े से और इसके जो कलेक्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं लवेन बोर्ोलेव डिमत्री नोस्को कई सारे म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज किए हैं इस पूरे फिल्म में और एक्टर्स के, के तो, एक्ट्रेस की बात करें तो पवलीना इंद्रिबिया पवलीना इंद्रिबिया जो कि टसर देविस्ता के रोल निभा रहे हैं एंटोन सैगिन जो कि इवन के रोल निभा रहे हैं इसी प्रकार मिकैल इफ्रमोव जो कि टिशार के रोल निभा रहे हैं पावेल यंग को जो कि द लिटिल हम के रोल निभा रहे हैं और जेन टेस्पिंग जो कि काफ़ी अच्छे कास्टिंग है और अलेक्जेंडर सेमचिव और ओलेक टकल्ट्रो कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस फिल्म में और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया है तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी के हिंदी फैक्ट के बारे में यह एक रशिया की जबरदस्त लाइव एक्शन कम्प्यूटर कंप्यूटर एनिमेशन फेयरी टेल फैंटेसी मूवी है यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया जबरदस्त मूवी है और यह फिल्म बहुत ही शानदार है जिसको दो हज़ार में रिलीज किया गया है और इस फिल्म की कास्टिंग काफी भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हुए फिलकुल मिलाकर जबरदस्त है और इसके डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पोगीन ने और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे दिए हैं और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था बहुत ही अच्छे रिलीज डेट पे यानी कि इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया है वो है अट्ठारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस रसिया में जिसकी लंबाई एक सौ ग्यारह मिनट है सौ कंट्री इंडिया में बनाया नहीं गया है रसिया में बनाया गया है और इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया गया है जिसकी भाषा है रसिया है और इसकी शानदार कमाई हुई थी एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो सेंट पेतरसबर्ग में हुआ था जो काफ़ी बड़ी जगह है और यह फिल्म बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यह फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो काफ़ी अच्छी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है जैसे कि आपको बता देते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो द रशियन फेयरी टेल्स इज बेस्ड ऑन दर्ल्ड पोइट्र पोलोविच य और ये फिल्म का कहानी काफ़ी अच्छा बेस्ट है जिसका कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है कास्टिंग के द्वारा उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया अपने रोल के लिए जैसे कास्टिंग की शुरुआत हुई थी दो हजार से और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई थी जिसके काम भी बहुत ही बढ़िया हुआ था और यह फिल्म सुपर डुपर फिल्म भी बनी थी तो इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है या फिल्म आपके लिए है अच्छी या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोटोग्राफी के शूटिंग था सेंट पीटर्सबर्ग ने समर दो में ले लिए गए थे कम्प्लीटली क्लोजर शूट ले लिए गए थे और उसी ईयर को और बात की जाए कि जब फिफ्टी डिफरेंट आइटम इंक्लूडिंग किया गया था ड्रेसेस हो क्वींस हो प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं है, वर्क हो क्लॉथेस अंडर गैजेंट्स है तो कई सारे इसमें फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए थे और इसको रिलीज किया गया थर्टिकली यानी कि अपॉन द रो अपॉन द मैजिक रोड ओरिजिनली ऑरिजिनली टू बी थर्टिकली रिलीज ऑन अक्टूबर बाईस टू थाउजेंड ट्वेंटी बट इट रिलीज वाज पोस्टपोन टू फरवरी एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन रशिया कोविड नाइन्टीन पोस्टपन पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वॉज लॉन्च टू रिफ्रेश द मनी ऑफ द फिल्म The trailer went on the year two year ago. Russia One TV channel and Sony Pictures Productions and releasing SPPR have promoted a promotional program for the film. The premiere of the adventure fantasy film upon the Magic Road took place in Moscow at the Karo 11 October Cinema at the 2021 key BS event worldwide distribution plan where signed world cinema and will distribute the film. South Korea and Greenstone Entertainment Group acquired the North American right to the film. The media group plan to release the film in 2020 on 6 July 2021. The cinema kennes film market featured the singing. ऑफ़ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ जापान न्यू सेलेक्टर द फिल्म के है सिकूल फिर उसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया 2022 में नहीं बल्कि 2021 में जिसको रिव्यू बहुत ही शानदार मिला है उसके रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसे क्रिटिकली एकम किया गया है इस मूवी को तो इसकी जो रेटिंग मिली है वो तो बहुत ही शानदार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं फाइव पॉइंट एट यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी बताई जा रही है जिसे लेटर बॉक्स ने दिए हैं टू पॉइंट नाइन स्टार फाइव से दिए हैं तो शानदार रेटिंग है लाजवाब रेटिंग है फिल्म सुपर डुपर हिट है दोस्तों जिसकी आई एम डी बी रेटिंग में दिया गया है थ्री मतलब फाइव स्टार और फाइव पॉइंट टेन स्टार दिया गया है जहां पर पाँच सौ छप्पन लोगों ने रिव्यू दिया है जिसे फिल्म को सुपर डुपर हिट भी मना किया गया है यह फिल्म बहुत ही लाजवाब है जो किसी को भी अच्छी लग सकती है इतना जबरदस्त मैजिक दिखाया गया है आप वो द मैजिक रोड नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है तो बात की जाए इसकी कहानी भी काफी अच्छे हैं लाजवाब हैं और जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है और उसके ऊपर पंछियाँ उड़ रही है नीचे समुंदर है पहाड़ है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आप भी ऐसे ही मूवी के अपडेट फैक्ट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा ऑल में जैसे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी आप पाते रहिए और आप वीडियो को सबसे पहले प्ले करके जानकारी हासिल करते रहने पाइएगा क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड साउथ हॉलीवुड बंगाल किसी तरह की मूवी हो मैं आपको रिलीज देट फैक्ट के बारे में आपको बताते रहूंगा सबसे पहले प्लॉट भी काफ़ी अच्छा है द स्टोरी बिगेन विद ए फादर कॉलिंग ही थ्री सन एंड शोइंग देम ए ट्रैमपलर फील्ड ऑफ वाइट The father instructed his son to stand guard at night so that they will find out who tampered the feet and brothers is turn this year song to so, story.